What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 30th जुलाई 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:34 मिनट हो रहा है। थर्सडे है, मंथली एक्सपायरी का दिन है, चाहे फिर वो इंडेक्स हो या फिर स्टॉक हो। आज का फिर वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। कल भी एक सुबह के दौर में एक साइडवेज पैटर्न देखने को मिला था। हालांकि हमने जो ब्रेकआउट फेल्यूर का बात किया था कल के वीडियो में, उसका एक सुपर एग्जाम्पल कल हमें देखने को मिला। एक्सपायरी आ रही थी और RSI को देखे आर्ली चार्ट में, तो वहां पर ये लोअर हाइज बना रहा था और प्राइस एक्शन साइडवेज पैटर्न में चल रहा था। तो यहाँ पर कल का जो ब्रेकआउट फेल्यूर पैटर्न था एक सुपर एग्जांपल था। तो आज के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 29 जुलाई आफ्टर मार्केट RSI पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, तो ब्रेकआउट लेवल कल का हमारा बन रहा था 11,321 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,237। तो जैसे कि कल हमने बात किया था कि ब्रेकआउट फेल्यूर भी हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी इंडेक्स ओपन होने के बाद ब्रेकआउट लेवल को, यानी जो ट्यूजडे का हाई था उसको ब्रेक करने के बाद कभी सस्टेन नहीं हो पाया ऊपर, और ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव होते होते रह गया 11,341। इसने हाई लगाया और यहाँ से इसने फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ एक मूव दिखाया, और जैसे ही ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक किया फर्स्ट टारगेट 11,218 ये अचीव हुआ, और सेकंड टारगेट 11,195 ये भी अचीव हुआ, और ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास आकर ये क्लोज हुआ। तो काफ़ी कल के लेवल्स भी एक्यूरेट साबित हुए, और कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 19 पॉइंट्स का यहाँ पर ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते हैं अराउंड 14,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता है। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते। कल फेड के जो पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी थी उसके आउटकम आया, डोविश स्टांस रखा है फेडरल रिजर्व ने, और इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो नासडैक कल 140 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स देखे तो लास्ट 1.5 वीक से एक साइडवेज पैटर्न में हमें देखने को मिल रहे हैं, एक दबाव सा देखने को मिल रहा है यूरोपियन मार्केट पर। एशियाई बाजार देखे तो SGX निफ्टी फ्लैट नोट के साथ कारोबार कर रहा है, निक्केई भी 11 पॉइंट की मामूली बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर को देखें तो हल्की सी कमजोरी इस समय दिखाई दे रही है। तो एशियाई बाजारों से अभी फिलहाल ग्लोबल मार्केट से थोड़े मिले जुले संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करते हैं। ये डेली चार्ट है, हमने देखा कल यहाँ पर ये जो चार दिन का एक साइडवेज पैटर्न बन रहा था, एक रेंज में ये ट्रेड हो रहा था, एक ऑलमोस्ट 80-100 पॉइंट के रेंज में ये ट्रेड हो रहा था निफ्टी इंडेक्स। तो यहाँ पर इसने ये जो मंडे का ग्रीन का ट्यूसडे का ग्रीन कैंडल है इसका ब्रेकआउट दे दिया था इस कंसोलिडेशन फेज का। हालांकि अगर आर्ली चार्ट में अगर आप देखते तो यहाँ पर ये जो RSI है ये लोअर हाइज बनाते चल रहा था, लेकिन प्राइस एक्शन में साइडवेज पैटर्न था। तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा था कि बुल्स का स्ट्रेंथ जो है वो बेयर से कम हो रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है ये ब्रेकआउट फेल्यूर दे, एक्सपायरी भी आ रहा था तो लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी ये फिर से ये जो 100% का लेवल था 11,260 यानी ऑलमोस्ट 250 पकड़ लेते राउंड फिगर, इसके नीचे आ गया है। तो अभी RSI और प्राइस एक्शन को देखें तो RSI कंटिन्यूस यहाँ से हायर हाइज बनाने में फेल हो रहा है। आप देख सकते हैं ट्रिपल टॉप जैसा यहाँ पर पैटर्न हुआ है। तो अभी अगर निफ्टी इंडेक्स और भी टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो 11,100 ये क्रूशियल सपोर्ट बन जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं लास्ट चार दिन यहाँ पर कंटिन्यूस इसने एक ज़बरदस्त सपोर्ट इस लेवल को रिस्पेक्ट दिखाया था। तो अगर 11,100 अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी में और भी यहाँ से करेक्शन गहराता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन जो सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहे ग्लोबल मार्केट्स में, धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है। अभी कल की बात है इंडिया में जिम और ये योगा सेशंस है वो फिर से इसको परमिशन दे दी गई है, और धीरे धीरे एक चीज़ें शुरू होते हुए हमें दिखाई दे रही है। हालांकि लॉकडाउन जो है वो 31st अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया है। तो यहाँ से अगर ये फिर से 11,250 के ऊपर अगर सस्टेन करता है आर्ली चार्ट में तो ही हमें यहाँ से अपसाइड मूव कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है।
तो ये है डेली चार्ट का इस समय का सिनेरियो। स्ट्रक्चर इसमें अपसाइड स्ट्रक्चर बन रहा है 20, 50, 100 शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, ये पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलते हैं डेली चार्ट में, आर्ली चार्ट में इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आर्ली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लास्ट दो कैंडल्स हैं यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसका नाम है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है लगभग उसी की तरह, एक्यूरेट बुलिश हरामी पैटर्न नहीं है, लगभग ऑलमोस्ट उसी की तरह है। तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कंटिन्यूस साइडवेज पैटर्न में एक लोअर बैंड बनाया था इस लेवल के पास, तो हो सकता है इस लेवल को ये सपोर्ट टेस्ट करे और फिर बाउंस बैक दिखाए। तो ये जो कल इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ है इसका अगर हाई, यानी ये जो बियरिश कैंडलस्टिक है इसका हाई अगर कंफर्टेबली अगर ये ब्रेक करता है, यानी 11,267 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,292। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R1 का लेवल जो कि 11,312 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो 50 EMA का ये जो ब्लू लाइन है उसी के पास ये बेयरिश कैंडलस्टिक का लो भी आ रहा है, तो इस लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए। यानी 11,144 को अगर ब्रेक करता है निफ्टी इंडेक्स तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एक छोटा क्विकली टारगेट होगा 11,119, ये हमारा एक क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,088, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।